कोरोना संक्रमण के बीच सबसे ज़्यादा मार अगर किसी पे पड़ी है तो वो उन गरीब तबके के लोगों को और दिहाड़ी मजदूरों को जो रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो किसी संस्था का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, वो खुद घर से खाने पीने का सामान लेके आते हैं और ऐसे रोज़ लोगों के बीच में बांटते हैं। ऐसे कई युवा अभी आपको सड़कों पर मिल जाएंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं। इस वक्त हम आज़ादपुर में हैं और यहाँ कई ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपने अपने घरों से खाना बनवाया है और उन खाने के पैकेट्स को लेके ये लोग पहुंचे हैं और जो भी सड़कों पे चलता हुआ जो गरीब आदमी दिखता है उन तक ये लोग पहुंचते हैं। ये सब टू व्हीलर पे करीब 8-10 ऐसे युवा हैं जो अपने टू व्हीलर पे इस तरह से खाने के पैकेट्स लेके लोगों तक पहुंच रहे हैं। इनमें से कुछ युवा हमारे सामने हैं जिनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे कि ये लोग आखिर इस तरह के काम को कब से आप लोगों ने स्टार्ट किया ये काम और क्या क्या उद्देश्य समझ के आप लोगों ने इस काम को स्टार्ट किया है। ये काम अभी हमने कुछ दिन से स्टार्ट करा है, कल से जी कल से हमने स्टार्ट करा है, बाकी हमारे बड़े भाई जी। तो इसमें क्या है, आप लोग अपने अपने घरों से खाना पैकेट्स बना के और लोगों तक? हम लोगों ने, हम सभी दोस्तों ने ये तय किया कि अपने अपने घरों से 20-20 30-30 पैकेट चार चार रोटियों के सब्जी के साथ, ताकि एक व्यक्ति को कम से कम चार रोटी चाहिए होती है पेट भरने के लिए, तो चार रोटियां प्लस सब्जी हम 20 पैकेट 25 पैकेट जो है अपने घरों से लेके आ रहे हैं। और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमने, हम सभी लोग जो बांट रहे हैं, मास्क और ग्लव्स को पहनते हुए, ताकि हम अगर अपनी सुरक्षा रखेंगे तभी हम औरों की सेवा कर सकते हैं, इसका मैसेज देते हुए सभी का पेट भरने का प्रयास कर रहे हैं जितना तो हम कर सकते। कितने लोग हैं आप लोग एक साथ जो इकट्ठा होकर ये काम कर रहे हैं? हम इकट्ठे सर हम 6-7 लोग हैं जो हम इस काम को कर रहे हैं, अपनी भी सेफ्टी और जिनको हम दे रहे हैं, जिनको हम खिला रहे हैं उनकी भी सेफ्टी, दोनों की सेफ्टी को देखते हुए हम ये कार्य कर रहे हैं। हम आस पड़ोस से उनसे घर से वो अपने आप देते हैं हमें, हम लोग फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनको, हम अपने उसमें डाल देते हैं ग्रुप में कि जो करना चाहता है अपनी सेवा वो अपने घर से पैक करके हमें सिर्फ कार्टून में बॉक्स में दे देते हैं। तो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि किसी संस्था की ज़रूरत नहीं है इस तरह के काम करने के लिए। ये सब कुछ फ्रेंड्स हैं जो इकट्ठा होते हैं और आसपास से अपने अपने घरों से फूड पैकेट को बनवा के और ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं आज के दिन, जिन तक खाना पहुंचाना शायद सबसे बड़ा सवाब का काम है। अजय झा, गो न्यूज़, दिल्ली।